तो कुछ ऐसा गया आज का दिन मेरी क्लाउड जर्नी का। रात में 12 बज रहे थे और अपने किचन का भी टाइम हो गया था बंद करने का। अच्छा, फिर मैं अपना सब सामान पैक करके बंद करने जाने ही वाला था और उतने में हुआ ये कि अपने को कॉल आया और ये ऑर्डर जो था ऑफलाइन था और उसमें अपन को जो हमारे कस्टमर थे उनने ऑर्डर किया कि पापड़ देने के लिए। समझ रहे हो? मैंने उनसे पूछा भी कि मसाले वाला देना है कि कैसा देना है, तो उनने बोला आप A few moments later. जो है वो मसाले वाला चाहिए। लग गया अपने काम पे और उसके बाद सारा मसाला तैयार करने लगा, सब सब्जियां काटने लगा और उसके बाद फिर मैं सोचा कि कैसे बना के दूं और डायरेक्ट चाट पापड़ डाल के दे दूं। फिर बोला नहीं यार, अच्छे से मसाले वाला बना के देते हैं अपने कस्टमर के लिए। और क्योंकि क्या कस्टमर की कोई सुझाव नहीं थी कि आप ऐसे बनाइए या मतलब उनका कोई वो नहीं था कि कैसे बना के देना, उनने बस बोला था कि मसाले वाला होना चाहिए। सो उसके बाद फिर मैंने सारे सब्जियां काटी इसमें डालना चाहिए और उसके बाद फिर मैं बनाने लगा। तो वो बाहर ही खड़े थे ऑर्डर पिक करने के लिए, सो मैं जल्दी जल्दी बना देता और उसके बाद फिर मैं सोचा कि इसे पैक कैसे करूँगा। सो फिर उसके बाद हालांकि मैंने इसे पैक तो कर लिया, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कैसे मैंने इसे पैक किया होगा पैकिंग के लिए। क्योंकि क्या इतनी बड़ी कोई मतलब मेरे पास कंटेनर भी नहीं था और ना ही कोई ऐसी पैकिंग मटेरियल थी, बात तो सही है। कोई डब्बा भी नहीं था जिसके अंदर मैं इसे डाल के पैक करूँगा। सो कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसे मैंने कैसे पैक किया होगा। और उसके बाद फिर मैंने इसे मस्त बढ़िया से मसाला डाला पापड़ को सेकने के बाद, उसके ऊपर बढ़िया से मसाला डाला भर भर के, और उसके ऊपर भी मैंने जो मसाला था मसाला पाउडर उससे भी स्प्रिंकल कर दिया था और जो मैंने अपना मसाला बनाया था वो भी डाल दिया था। और उसके बाद फिर कस्टमर ने बोला था कि हमें 3 सूखे पापड़ भी चाहिए, तो वो भी मैंने सेक दिए थे। उसके बाद जैसे ही हमारा पापड़ बना और ये मैंने अपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो इस बार का जो ऑर्डर था वो हमारे कस्टमर ने हमें तुरंत रिव्यू बताया, उनको ये पापड़ जो था वो बहुत पसंद आया और उनने तो कल के लिए भी ऑर्डर पहले से ही दे के रखा है कि कल जो रहेगा हमें और 10 पापड़ लगेंगे। उसके बाद उनने पेमेंट की हमें और फिर क्या, फिर मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। पेमेंट लेने के बाद जैसे ही मैं अपने घर के अंदर आया ही था, उसके कुछ समय बाद कस्टमर का मैसेज भी आ गया कि ये जो ऑर्डर था बहुत अच्छा लगा उन्हें और इसका जो फ्लेवर था टेस्ट था वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो हालांकि इसमें मतलब जो भी था वो मैंने अपने मन से ही डाला है मसाला और कस्टमर ने कुछ भी नहीं बताया था कि आप उनको कैसा खाना है, बस उनने ही बता दिया था कि मसाले वाला होना चाहिए। सो ये कस्टमर को तो बहुत ही पसंद आया है। और अगर हमारी इस फैमिली से जुड़ने के लिए फॉलो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ।